वेलकम टू आवर गार्डनिंग लवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में आप सेफ होंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपकी रहनुमाई करे और मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन मिले। तो आज मैं जिस प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एलिगेंट किस्म का प्लांट है जिसको कि हम गोल्डन सीडम कहते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ क्रेसोला या व्हाटएवर जो भी बहुत से नाम मशहूर हैं लोकल नर्सरीज़ पर, मगर इसका सही नाम है सीडम एडोल्फियाई, ठीक है, गोल्डन। ये यहाँ पर बहुत फेमस भी है, मिल भी जाता है आराम से। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और बेसिकली ये जो है ये मेक्सिको से है और हमारे माहौल में भी ये एडजस्ट कर लेता है और क्रेसोला फैमिली से ये ताल्लुक़ रखता है। बहुत ही मशहूर सेकुलेंट है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ता और फैलता है और 10 से 12 इंच तक इसकी ब्रांचेस भी बढ़ जाती हैं और हैंगिंग पॉट में लगा हो तो हैंगिंग पॉट की तो शान बढ़ती बढ़ती है, आपके घर की, आपके बाग बगीचे की भी शान बहुत बढ़ जाती है और आई कैचिंग है ये भी। इसके अलावा ये है कि इसकी जो बहुत ही ये सेंसिटिव होता है, हल्का सा हाथ लगने से इसकी टहनियाँ टूटती हैं और जहाँ जहाँ इसका लीफ गिरता है वो अपनी जर्मिनेशन वहीं से ही स्टार्ट कर देता है। ये लीव्स के भी थ्रू आउट जर्मिनेट होता है, ये उन सेकुलेंट्स में से। आमतौर पे तो काफ़ी सारे सेकुलेंट्स हैं जो लीव्स के ज़रिए अपने आप को बढ़ाते हैं। खैर, मैं आपको ये इसका एक लीफ दिखा भी रही हूँ कि ये कैसे जर्मिनेट हुआ हुआ है। ये देखें, ये पोट में गिर गया था और यहाँ पे इसने अपनी जर्मिनेशंस खुद ही स्टार्ट कर ली हुई हैं। तो अब मैं इनको एक अलग से पॉट में, तो अभी मैंने इनको शिफ्ट नहीं किया, कर दूंगी, अभी चल रहे हैं। तो इसके अलावा अगर हम इसको, इसके जो लीव्स हैं फुल सनलाइट में, सर्दियों में इसके लीव्स जो हैं वो हो जाते हैं रेडिश ग्रीन हो जाते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं। और अगर आपकी लक अच्छी हो तो ये फ्लावरिंग भी करता है और सर्दियों में तो येलो कलर के फ्लावर आते हैं इस पर। तो अब कुछ इसकी केयर की बात कर लेते हैं, ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया, अब इसकी कुछ केयर की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि विंटर सन लविंग प्लांट है ये, और सर्दियों में इसको 4 से 6 घंटे की धूप में रखिए आप और पानी कम की ज़रूरत होती है इसको। हमारे यहाँ जैसा कि इंडिया पाकिस्तान में मौसम जून जुलाई में बहुत गर्म होता है, वहाँ पे ये थोड़ा सा स्ट्रेस में आ सकता है, मगर आप इसको अपने एसी वाले रूम में भी रख सकते हैं। मगर इसको आप 1-2 घंटे फिर ज़रा ब्राइट सनलाइट में भी रख दें, डायरेक्ट धूप में तो नहीं रखें, शेडी एरिया में रख दें जहाँ पे इसको थोड़ी धूप भी मिल जाए। और सम टाइम इसको जब तेज़ धूप हो तो एसी रूम में अपने पास रख लें इसको, तो ये सर्वाइव कर जाएगा। तो कम धूप में इसके जो पत्ते हैं वो ग्रीन हो जाते हैं और सर्दियों की धूप में ये गोल्डन रेडिश हो जाते हैं। ये प्लांट किसी हद तक गर्मी तो बर्दाश्त कर ही लेता है क्योंकि इसमें काफ़ी मॉइस्चर होता है, मगर बहुत ज़्यादा सर्दी 20 डिग्री फ़ारेनहाइट में ये सर्वाइव नहीं करेगा। फिर आपको इसको पॉट में डालकर इनडोर शिफ्ट करना पड़ेगा अगर आपने अपने कहीं बाहर लॉन में लगा रखा है या गार्डन में लगा रखा है, पर हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती। इसको लो वाटरिंग की ज़रूरत है, ओवर वाटरिंग इससे बिल्कुल भी पसंद नहीं। जब इसकी ड्राई हो सॉइल तो तभी इसको आपने पानी देना है, अदरवाइज़ नहीं देना। तो अब इसकी फर्टिलाइजिंग की बात कर लेते हैं। इससे वैसे किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती ख़ास, बट समर में बस आप इसको एक दफ़ा, समर स्प्रिंग में आप इसे एक दफ़ा फर्टिलाइज़ कर दें। वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़ यहाँ पे जो मिलते हैं 10x10 का, वो ले लें आप एक दफ़ा, इसको आप साल में बस फर्टिलाइज़ कर दें। इसकी मिट्टी की अगर बात करें तो बहुत ही पोरस मिट्टी लेनी है आपने, वेल ड्रेन सॉइल हो, और मज़ीद इसे वेल ड्रेन बनाने के लिए आपने इसमें कंकर वगैरह शामिल कर दें, छोटे छोटे बजरी टाइप, जो कि पानी उसमें बिल्कुल भी खड़ा ना होने दें।
और बस इसी तरह ही इसकी आपने ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा रखना है बस, तो ये आपके पास बड़े अच्छे तरीके से चलता रहेगा। ये देखें मेरे पास ये कितनी अच्छी कंडीशन में है माशाल्लाह, और मैंने इसको अपने हैंगिंग पॉट में लगाया हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसके अब प्रोपोगेशन की बात करें तो लीव्स के थ्रू आउट तो ये प्रोपोगेट होता ही होता है। इसकी आप स्टेम कटिंग लें और फिर उसको 2-4 दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ दें, ज़रा ड्राई होने के लिए रख दें शेडी एरिया में, फिर उसे आप वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं। और जहाँ तक इसको किसी पेस्ट अटैक का है तो वो इसको किसी किस्म के कोई पेस्ट अटैक नहीं होते, बस ये जब भी ख़राब होगा ये फंगस से होगा, ओवर वाटरिंग से होगा, इसलिए एहतियात करें बहुत ज़्यादा, इसको ओवर वाटरिंग से बचाएं और अपने बाग बगीचे की रौनक के लिए इसको ज़रूर अपनी इसमें शामिल करें अपनी कलेक्शन में, ताकि इससे आपके बाग की खूबसूरती दोबाला हो जाए। और अगर आपको मेरी वीडियोस हमारी अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कीजिए और अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए, ताकि हमारी हौसला अफज़ाई हो। और अगर आप किसी मौजू पर बनवाना चाहते हैं वीडियो तो प्लीज़ अपनी राय भी दीजिए कि हमें इस मौजू पर आप वीडियो बनाएं, हम लोग ज़रूर उस पे अमल करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तो बहुत सा